Okay, so in my previous video, we have talked about the various causes which led to the beginning of French Revolution. Some of the causes were political, economic, social, philosophical, and immediate cause. These causes led to the protest of 1789, and this protest came to be known as the first stage of the French Revolution. Actually, the story doesn't end after this protest. The story begins after this 1789 protest. The tension in France continued even after 1789 protest. What does this mean? This means जो 1789 का protest था उस time के बाद भी कोई solution नहीं निकला. ठीक है, जो tension थी, ठीक है, जो political tension थी वो France में अभी भी continued थी. अब क्यों थी? सबसे पहली बात, as we have talked in our previous video, जो National Assembly थी, जो उसके leaders थे, उन्होंने constitution बनाया. उस constitution में जो king थी, उसकी power limited कर दी, मतलब limited कर दी, कम कर दी, limited कर दी, ठीक है. और उसी जगह जो लोग थे, उनकी power in comparison to king क्या कर दी? ज़्यादा कर दी. तो actual में 1791 के अंदर जो constitution बनाया गया, ठीक है, जो constitution draft किया गया, उसने France के political एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहाँ पर मोनार्की भी है, वहाँ पर किंग भी है, और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब कि जो किंग था, ठीक है, जो कि लुई 16 थे उस टाइम पे, लुई 16 को बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हमने कौन, नेशनल असेंबली ने बनाया है, जो 1791 में बना है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम साइन करो, ठीक है, क्योंकि तुम हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हो, तुम हेड ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, इसीलिए तुम क्या करोगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करोगे. ठीक है, अब लुई 16 ने उस सिचुएशन में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द दीज फ्रेंच सिटीजन्स और द प्रोटेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ अ पर्शियन किंग हु वॉन्टेड लुई 16 टू बी द किंग अगेन. इसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो किया, ठीक है, पर दूसरी जगह उसने क्या किया, षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया, कॉन्स्पायर करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द फ्रेंच सिटीजन्स और द सिटीजन्स हु हैड मेड द नेशनल असेंबली. जिन नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे और जो फ्रेंच सिटीजन जो उसके अगेंस्ट जा रहे थे, उनके अगेंस्ट उसने कॉन्स्पायर करना स्टार्ट किया. कॉन्स्पायर अकेले तो किया नहीं होगा, इसमें इस कॉन्स्पिरेशन में या फिर इस षड्यंत्र में उसको हेल्प किसने किया, पर्शियन किंग ने. अब पर्शियन किंग का हेल्प करने का एक मोटो था, एक रीज़न था, वो रीज़न, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पर्शियन किंग टू हेल्प द हेल्प लुई 16. लुई 16 को हेल्प करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था पर्शियन किंग का, वो ये था कि ये लोग लुई 16 को दोबारा से किंग बनाना चाहते थे. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बंद करो और दोबारा से हेड ऑफ द कंट्री किसे बनाओ, किंग को बनाओ, और सारी पावर्स जो हैं वो किंग के हाथ में दो. ऐसा पर्शियन किंग क्यों चाहते थे? अभी सबसे पहली बात, जो नेबरिंग कंट्रीज थी इंक्लूडिंग द पर्शिया, ठीक है, दे वर फ्राइटन दैट माइट बी देयर सिटीजन्स ऑल्सो protest against them by getting influenced or motivated through French citizens. इन लोगों को डर था, ठीक है, कि जिस तरीके से फ्रांस के लोग जो हैं वो अपने किंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे लोग, हमारी प्रजा भी हमारे अगेंस्ट फाइट करे, ठीक है, इन लोगों से मोटिवेट होकर, इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर. और इस वजह से, ठीक है, इन्होंने क्या किया, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए लुई 16 को फ्रेंच सिटीजन्स के अगेंस्ट दोबारा एक किंग बनाने की कोशिश की. ठीक है, अब जैसे ही फ्रांस के लोगों को ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि ये सबसे पहले कुछ करें, इससे पहले हम कर देते हैं. इसीलिए इन लोगों ने अप्रैल 1792 के अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसने डिक्लेयर की एक वॉर,
ये वॉर किसके अगेंस्ट थी, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. सो फाइनली नेशनल असेंबली टू स्टॉप देम, ठीक है, टू स्टॉप देयर इन्फ्लुएंस इन देयर कंट्री, दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. नाउ इन दिस वॉर अराउंड 1000 ऑफ पीपल जॉइन द आर्मी टू सस्टेन दैट war. The war was against the king. The war was against the supporters of the king. अभी क्या हुआ, तो जब नेशनल असेंबली ने कि बोला कि भैया ऐलान कर दिया कि वॉर होगी, ठीक है, किसके अगेंस्ट होगी, पर्शिया और ऑस्ट्रिया. क्यों होगी? क्योंकि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, लुईस 16 को सपोर्ट कर रहे हो. आप लुईस 16 को क्या बनाना चाहते हो, किंग बनाना चाहते हो, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को दोबारा डिमोलिश करना चाहते हो. इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो सपोर्टर्स हैं पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इनको ख़त्म कर रहा है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे. कब वॉर डिक्लेयर हुई, अप्रैल 1792 के अंदर. इस वॉर के अंदर अराउंड 1000 से ज़्यादा लोगों ने डिसाइड किया कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे ताकि वॉर कर सकें. और वो वॉर जो थी वो किंग पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट थी. कौन किंग? लुईस 16. नाउ इस वॉर के टाइम पर जो फीमेल्स थी, ठीक है, दे यूज़ टू हैंडल ऑल देयर फैमिलियल एंड हाउसहोल्ड वर्क. अब यहाँ पर वॉर के टाइम पर लोगों के अंदर ब्रेवरी थॉट्स डालने के लिए या पेट्रियाटिक थॉट्स डालने के लिए या पेट्रियाटिक आइडियाज़ को इन्हांस करने के लिए, ब्रेवरी को इन्हांस करने के लिए जो सबसे मेन मीडियम माना गया वो था पेट्रियाटिक. तो जो मेन मीडियम था वो था पेट्रियाटिक सॉन्ग, टू इन्हांस द ब्रेवरी थॉट्स, टू इन्हांस द पेट्रियाटिक आइडियाज अमंग द पीपल. ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज मर्सलाइज, ठीक है, रिटन बाय रॉजर डे. दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग संग बाय द पीपल हु वर मूविंग टूवर्ड्स द पैरिस फ्रॉम मर्सलिस टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी. अभी जब आपकी वॉर डिक्लेयर हो गई है तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगहों से ज्वाइन करने का डिसाइड किया फ्रेंच आर्मी को. तो मर्सलिस भी एक जगह थी जहां से लोग क्या कर रहे थे, पेरिस के टूवर्ड्स मूव कर रहे थे. अभी खुद के अंदर और दूसरों के अंदर ब्रेवरी आइडियाज़ और थॉट्स डालने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पेट्रियाटिक सॉन्ग गाना स्टार्ट किया, संग करना स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया गया मर्सलाइज. ठीक है, दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाई रॉजर डे एंड दिस song came to be known as a very famous patriotic song. All this, okay, all this war participation and the declaration of war, okay, and the focus which continued, the focus which turned from economy to political resulted in lower down of the economy. ये जो वॉर में पूरा फोकस हो जाना दोबारा से, ठीक है, दोबारा से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान होने की वजह से, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना, ठीक है, वॉर में दोबारा से, इसकी वजह से वापस क्या हुआ, जो इकोनॉमी थी फ्रांस की वो एक बार फिर, ठीक है, डाउन चली गई. ठीक है, और जो फूड प्राइसेस थे इसकी वजह से, ऑब्वियसली इकोनॉमी डाउन होगी तो एज़ वी हैव लर्न इन अ प्रीवियस वीडियो दैट इकोनॉमी डाउन होती है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ता है, फूड पर. तो जो फूड प्राइसेस थे इकोनॉमी डाउन होने की वजह से क्या हो गए, टच द स्काई, विच मींस इट इन्हांस्ड इनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गए, बढ़ गए. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ तो लुईस 16 के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी नेशनल असेंबली ने, वहीं पर बिगनिंग में जो नेशनल असेंबली थी उसका जो पार्टिसिपेशन था, मतलब उसमें जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो रिच पीपल थे. ठीक है, नेशनल असेंबली के सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूट करते लोग थे वो कौन थे, रिच पीपल. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से मिडिल क्लास जो थी वो पॉलिटिक्स में क्या कर रही थी, इंटरेस्ट ले रही थी, तो धीरे धीरे जो पार्टिसिपेशन था वो रिच पीपल से मिडिल क्लास में कन्वर्ट होने लगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ये
मिडिल क्लास पीपल जिनको नेशनल असेंबली में जगह नहीं मिलती थी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करने स्टार्ट किए। उन पॉलिटिकल क्लब्स को और क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बोला जाता था। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस कह लो या सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब जो था वो था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब कॉन्स्टिट्यूटेड द सर्वेंट लेबर एंड द शॉपकीपर्स एंड द लीडर ऑफ द क्लब वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्दर वीडियो। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे वो जैकोबिन क्लब को लीड कर रहे थे। जैकोबिन क्लब जो थे उसमें सर्वेंट लेबर शॉपकीपर्स जैसे लोग इंक्लूडेड थे, और ये जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे सक्सेसफुल क्लब कह लो, सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी कह लो, जो कि किसके पॉलिटिकल पार्टी जो कि किसके सामने खड़ी हो रही थी, एक तरीके से नेशनल असेंबली के सामने। और जो लुई 16 थे वो अभी भी किस पर ध्यान था उनका, उस वॉर पे जो कि उनके अगेंस्ट नेशनल असेंबली ने क्या कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो 1792 का ईयर था उसमें इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वर्स हो गई समर्स के अंदर कि जो किंग थे पर्शिया के और जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ के जो किंग थे, रूलर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, लुई 16 की वजह से। ऑल ऑफ द सिचुएशन इज़ ड्यू टू लुई 16। सो इन सब का रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया, लुई 16 को। इकोनॉमी खराब होने का, वॉर डिक्लेयर होने का सब का रीज़न कौन है, लुई 16। रिजल्टिंग पर्शियन एंड रिपब्लिकन सोल्जर, वो सोल्जर्स जो कि वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो पर्शियन किंग जो पहले लुई 16 को सपोर्ट कर रहे थे, उन दोनों ने मिलकर क्या किया 10 अगस्त 1792 को, ठीक है, जो पैलेस, एक पैलेस जिसका पैलेस ऑफ टॉयलेट्स बोला जाता है इसको, ठीक है, उस पर अटैक किया। ये अटैक इतना लार्ज स्केल पर था, यहाँ पर इतने अर्सनल्स और वेपन्स यूज़ हुए, ठीक है, लुई 16 के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, कि इसको इंसर्केशन के नाम से जाना गया। यहाँ पर लुई 16, उसकी फैमिली और उसके जो गार्ड्स थे उनको अटैक किया गया, गार्ड्स को मार दिया गया, लुई 16 और उसकी फैमिली मेंबर्स को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और लुई 16 को प्रिजन में सेंड कर दिया गया। सेंड टू प्रिजन, किसने सेंड किया, नेशनल असेंबली ने। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो चाहे मोनार्की हो, जो लुई 16 थे वो अभी तक हेड कर रहे थे कंट्री को, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि लुई 16 को जो हेड ऑफ़ द कंट्री है उसको तो जेल में डाल दिया, प्रिजन इम्प्रिजन कर दिया, तो अब हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन बनेगा, ये क्वेश्चन उठा, सरकार किसकी बनेगी, ये क्वेश्चन उठा, ठीक है। सो टू मेक अ न्यू वन, ठीक है, इलेक्शन हुए, सबसे पहली बार क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। इस इलेक्शन में जो वोटिंग सिस्टम था या जो वोटिंग राइट दिया गया था वो 21 साल से 21 से ऊपर वाली एज के सारे जो मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी थे उनको राइट दिया गया। कौन सा राइट, वोटिंग राइट। अब इस जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, इस इलेक्शन के बाद में, ठीक है, क्या मानी गई, कन्वेंशन, उसको क्या नाम दे दिया गया, इट वाज नेम्ड एज कन्वेंशन व्हिच वाज इलेक्टेड बाय दीज पीपल, व्हिच पीपल, द 21 इयर्स ऑफ अबव मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु वर गिवन द वोटिंग राइट, द राइट टू इलेक्ट द न्यू असेंबली, एंड न्यू असेंबली वॉज नेम्ड एज कन्वेंशन। अब 24 सितंबर 1792 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मोनार्क जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो ख़त्म हुई हुई, साथ में जो मोनार्की थी, ठीक, डिस्ट्रॉय हो गई फ्रांस से। और अगर मोनार्की नहीं रही तो कौन क्या बनी फ्रांस में, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या बना, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सरकार जहाँ पर जो सरकार है और जो हेड ऑफ द सरकार है वो कौन इलेक्ट करता है, पीपल, ठीक है। सो इन दिस सेंस वी कैन से इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन कंट्री, येस इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, बिकॉज हेयर द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इन द सेम वे फ्रांस में मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, और जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको क्या किया गया, उसको बिल्डअप किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दे विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज पीपल। इज इट क्लियर? नाउ
21 जनवरी 1793 को एट लास्ट लुइस 16 जो थे उनको सेंटेंस टू डेथ दिया गया, डेथ पनिशमेंट दी गई और वो ही डाइड. ठीक है, विद लुइस 16 आफ्टर सम टाइम हिज वाइफ वाज आल्सो किल्ड और हिज वाइफ वाज आल्सो गिवन डेथ पनिशमेंट. आफ्टर लुइस 16 क्योंकि इलेक्शंस हुए, कन्वेंशन बनी, नेशनल असेंबली, न्यू असेंबली बनी जिसको कन्वेंशन बोला गया और उस कन्वेंशन के अंडर जो नई सरकार आई वो थी जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब कौन सी? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सर्वेंट्स और शॉपकीपर्स और थोड़े पुअर क्लासेस के लोग थे और उसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन. तो जैकोबिन क्लब जब सरकार बन गई तो उसका लीडर क्या बनेगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसी तरीके से जैकोबिन क्लब और मैक्सिमिलियन क्या करने लग गई? फ्रांस पर रूल करने लग गई. पर ये जो रूल था या ये जो रेन था, ठीक है, मैक्सिमिलियन के पीरियड का, ये क्या हुआ? बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था. मतलब 1793 से लेकर 1794 तक, सिर्फ एक साल तक रूल किया इसने. इतना शॉर्ट पीरियड में क्यों? या तो देखो दो रीज़न होते हैं, ठीक है, एक किंग के रेन के ख़त्म होने के. पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपकी जो किंग है उसकी नेचुरल डेथ होना, या दूसरा रीज़न होता है उसका ऑपरेसिव रूल, उसके रूल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होना. तो जो मैक्सिमिलियन था उसका जो इसका रेन ख़त्म होने का इतना शॉर्ट पीरियड जो था इसके रूल का, वो इसलिए था क्योंकि इसका जो रूल करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था. अब ये ऑपरेसिव क्यों था? सबसे पहली बात, इससे डिस्कस करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इसके पीरियड को एक और नाम दिया गया, इसके रूल को, इसके एक साल के रूल को एक और नाम दिया गया. वो नाम था रेन ऑफ टेरर, दैट मींस पीरियड ऑफ टेररिज्म, आतंक का समय. इसके रूल को पीरियड ऑफ टेररिज्म माना गया या रेन ऑफ टेरर माना गया. मतलब इसका जो रूल था वो इतना ऑपरेसिव था कि उसको टेररिज्म नाम दे दिया गया, आतंक नाम दे दिया गया. इसीलिए लोगों ने क्या किया, इसको एक साल ही रूल में टिकने दिया. और सबसे पहला, अब जो रीज़न है, मैक्सिमिलियन ऐसी कैसी पावर कर रहा था, ऐसा कैसा रूल कर रहा था कि उसको सिर्फ एक साल टिकने दिया? सबसे पहला था, जैसे ही मैक्सिमिलियन को पावर मिलती है वो इतने रिजिड या इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है कि उनको फॉलो करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. और जो उनको फॉलो नहीं कर पाता था उनको क्या मिलता था? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. अब इसकी वजह से क्या होता था, इस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का शिकार कौन होता था? ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, अदर पार्टीज, जो पार्टीज जैकोबिन क्लब्स के सामने खड़ी हैं, ठीक है, जो कि एक थ्रेट की तरह हैं, ठीक है, किसके लिए? मैक्सिमिलियन के लिए, जो एक खतरा है मैक्सिमिलियन के लिए. जो भी लोग खतरा हैं, इवन उसके जो सपोर्टर्स होते थे, अगर वो एक खतरा, एक थ्रेट होते थे उसके लिए, तो वो क्या करता था? उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिलवाता था. इस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का तरीका क्या था? सबसे पहले लोगों को, उन थ्रेट को, उन लोगों को क्या करवाता था? अरेस्ट करवाता था. और अरेस्ट करवाने के बाद में अगर कोर्ट उनको डिक्लेयर कर देता था गिल्टी या फिर ऑफेंडर, ठीक है, क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया अगर कोर्ट ने उन अरेस्टेड पीपल को, तो उनको सज़ा दी जाती थी जिसको बोला जाता था गिलेटोइन. ठीक है, अब गिलेटोइन क्या होता था? गिलेटोइन एक्चुअल में एक डिवाइस थी, ठीक है, एक डिवाइस थी जिससे कि डेथ पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, जिससे कि डेथ दी जाती थी. अब ये दिखती कैसी थी? देयर यूज टू बी टू पोल्स विच यूज टू सपोर्ट दिस ब्लेड, ठीक है, एंड दिस ब्लेड अंडर बीनीथ दिस ब्लेड देयर यूज टू बी अ प्लेट, ठीक है, विच यूज टू हैव अ होल बिटवीन इट. और इस होल के अंदर क्या होता था? लोगों की नेक रखी जाती थी और इस ब्लेड से उसको कट कर दिया जाता था. इस तरीके की जो इनह्यूमन, ठीक है, जो डेथ होती थी, डेथ पनिशमेंट होती थी, उसको बोला जाता था गिलेटोइन. और ये किसके रूल के अंडर दी गई? मैक्सिमिलियन के रूल के अंडर. और इस पनिशमेंट, ये पनिशमेंट किस किस को मिलती थी? वो सारे लोगों को जो कि एक थ्रेट या फिर स्पेशली एक एनिमी कंसिडर कर लेता था मैक्सिमिलियन, उन सब को ये पनिशमेंट दी जाती थी. तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया? द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और द गिलेटोइन.
अब दूसरा जो इसकी जो दूसरा ऑपरेसिव रूल का एक तरीका होता था वो था वेजेस, और वेजेस को लिमिट कर देना, ठीक है, मतलब कि अब से लेबर्स की वेजेस कह लो, सैलरी कह लो, वो कभी नहीं बढ़ेगी, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा काम कर रहा है, चाहे कोई कितना भी काम कर रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट के बाद में या इससे आगे किसी की भी वेजेस नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब वेजेस नहीं बढ़ाई जाएंगी तो जो फूड प्राइसेस थे वो भी नहीं बढ़ाए जाएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट के बाद में किसी भी फूड आइटम का प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो फूड आइटम्स कौन देते थे, ये फार्मर्स देते थे, उनको बोला गया कि आप कोई भी जो भी अपना अनाज या जो भी अपना फूड आइटम आप बेच रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, वो एक फिक्स रेट पर बेचा जाएगा सरकार को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो दूसरा रीज़न था, ठीक है, या जो तीसरा ऑपरेसिव रूल था उसका, वो था राशन कर देना, ठीक है। राशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में खाना या फूड आइटम्स प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो फ्रांस के लोग थे मैक्सिमिलियन के रूल के अंडर, क्या हुआ, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड खरीद सकते थे, जो कि उस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स थे। तो मीट एंड ब्रेड उनको मैक्सिमिलियन ने डिक्लेयर किया कि आपको सिर्फ ये लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा, चाहे आपके पास में कितना भी पैसा हो, एक पर्सन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही मीट एंड ब्रेड खरीद सकता है, दैट इज़ राशनिंग, ठीक है। तो उसने राशनिंग की पॉलिसी लगा दी, फार्मर्स को बोला कि आप अपना जो भी हार्वेस्ट है उसको फिक्स रेट पर बेचोगे, फिक्स फूड प्राइसेस होंगे और वेजेस भी फिक्स रहेंगी, लिमिटेड अमाउंट में ही रहेंगी। इक्वालिटी स्प्रेड करने के लिए एक और तरीका जो इसने अपनाया वो था वाइट ब्रेड को रिप्लेस करना इक्वालिटी ब्रेड से। वाइट ब्रेड इतने वैल्यूएबल आइटम से बनता था कि जो वाइट ब्रेड था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, और इस वाइट ब्रेड को रिप्लेस कर दिया इक्वालिटी ब्रेड से। डजंट मैटर कि आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, क्योंकि आप फ्रांस में हो और क्योंकि आप मेरे रूल के अंडर हो, इसीलिए आप क्या करोगे, वाइट ब्रेड नहीं इक्वालिटी ब्रेड खरीदोगे, जो कि इक्वल प्राइसेस पे सबको मिल रही हैं। अब यहाँ पर होता है, इसने जो इसका जो सिक्स्थ पावर थी, ऑपरेसिव पावर, जो एक तरीका था ऑपरेसिव पावर को रूल आउट करने का, वो था कि इसने जितने भी चर्च थे उन सबको क्लोज कर दिया, और उन चर्चेस की बिल्डिंग्स में क्या बना दिया, ऑफिसेस बना दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस बना दिए, और गवर्नमेंट ऑफिसेस को इस्टेब्लिश करने के बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट वर्क चलते थे। तो चर्च को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। एक और जो उसका पॉलिसी थी वो ये थी कि पहले इसके रूल से पहले फ्रेंच में, ठीक है, फ्रांस में लोगों को सर मैम करके बुलाया जाता था, इसने इस रिचुअल को ख़त्म किया, और कहा गया कि इक्वालिटी स्प्रेड करने के लिए जितने भी फ्रांस में लोग हैं, जितने भी फ्रेंच पीपल हैं, उनको सिटीजन्स ही बुलाया जाएगा इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम। नाउ यहाँ पर इतना सब ऑपरेसिव होने के बाद में इवन जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो मैक्सिमिलियन थे उस पर, उसके पॉलिसीज़ पर, उसके रूल्स पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। बट मैक्सिमिलियन वॉज सो रूड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग एनी आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ही एंड एज अ रिजल्ट ही कंटिन्यूड हिज रूड एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज सपोर्टर्स। देयरफॉर At last, people decided, including his supporters, decided to force the French citizens. All this forced the French citizens, including his supporters, to give him death punishment. अब इसको death punishment दे देनी चाहिए। तो लोगों ने decide किया, और लोगों ने decide किया कि death punishment भी उसी same device से दी जाएगी जिससे कि वो हमेशा देता आ रहा है, that is guillotine। कौन सी punishment दी जाएगी, guillotine punishment दी जाएगी, guillotine device से ही दी जाएगी। At last Maximilian died, Jacobin government destroyed। अब जब मैक्सिमिलियन ख़त्म हो गए और जैकोबिन जो सरकार थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब दूसरी सरकार आएगी रूल करने के लिए। अब
यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही जैकोबिन और मैक्सिमिलियन का रोल ख़त्म हुआ तो जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब जो एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और क्या किया, यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पर। और ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें जो वोटिंग राइट थी वो किस बेसिस पे दी गई, हर एक बंदा जिसके पास में घर है, जिसके पास में प्रॉपर्टी है, उसके पास में हक है वोट देने का। तो जो अपर मिडिल क्लास पीपल, जिनके जो एजुकेटेड पीपल, जिनके हाथ में पावर आई, उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बनाते के साथ में बोला कि वोटिंग राइट तो दी जाएगी पर उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास में प्रॉपर्टी और घर है। और इस वोटिंग राइट के बेसिस पे दोबारा इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन हुए तो दो लेजिस्लेटिव, अब सबसे पहले इस इलेक्शन में क्या होता था, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे और वो जो दो काउंसिल हैं वो डायरेक्टरी को इलेक्ट करते थे। डायरेक्टली डायरेक्टरी में एक्चुअल में 5 मेंबर्स होते थे। अब यहाँ पर डायरेक्टरी मतलब हेड, तो यहाँ पर एक हेड ना रखने की बजाय 5 हेड इसलिए रखे गए ताकि डिसेंट्रलाइज हो जाए पावर, एक के हाथ में ना आए पावर और जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, बट जाए, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर को अवॉइड करने के लिए और डिसेंट्रलाइज पावर को लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, 5 हेड बना दिए गए, 5 मेंबर्स बना दिए गए इस डायरेक्टरी के। पर थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि डायरेक्टरी को इलेक्ट करती थी, ये आपस में दे यूज टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, रिजल्टिंग इन द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मतलब कि पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कौन आए, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन वगैरह सब रहे, रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट ही रही, बट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एट लास्ट डायरेक्टरी वाले फाइट के बाद में, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। मिलिट्री डिक्टेटर शिप जो थी 1799 में आई, जिसके जो हेड थे वो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच सोसाइटी, द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच सोसाइटी एंड रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस। थैंक यू।